आज के लेक्चर में हम मार्सुपियल्स पढ़ेंगे। हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैमल स्टार्ट किया था। पहली जो क्लासिफिकेशन थी मोनोट्रीम्स, वो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ ली थी। आज के लेक्चर में हम मार्सुपियल्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्सुपियल्स को मेटाथेरिया भी बोला जाता है, उसके अलावा पाउच मैमल्स भी बोला जाता है। मार्सुपियल्स की एग्जाम्पल्स की बात की जाए तो उसमें कोआलास आते हैं, पॉसम्स और कैंगरूज इसकी एग्जाम्पल में शामिल हैं। मार्सुपियल्स और जो यूथेरियंस हैं, ये अपने जो करेक्टर्स हैं वो शेयर करते थे। इनमें जो कुछ करेक्टर्स थे वो दोनों में पाए जाते थे, लेकिन वो करेक्टर्स जो हैं वो मोनोट्रीम्स में पाए नहीं जाते थे। ठीक है, तो जो मार्सुपियल्स और यूथेरियंस हैं इनके दरमियान में लिंक मौजूद था, क्योंकि इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो उसमें सबसे पहले मोनोट्रीम्स आते हैं, देन मार्सुपियल्स एंड देन यूथेरियंस। तो जो मोनोट्रीम्स हैं वो अपने करेक्टर्स शेयर करते थे मार्सुपियल्स के साथ, और मार्सुपियल जो हैं वो अपने करेक्टर्स शेयर करते हैं यूथेरियंस के साथ। तो इनके दरमियान में एक लिंकेज बना हुआ है कि एक दूसरे के साथ ये अपने करेक्टर्स शेयर करते हैं। जिस तरह मोनोट्रीम्स की हमने बात की थी, तो मोनोट्रीम्स जो हैं वो अपने करेक्टर्स रेप्टाइल्स के साथ शेयर करते थे, क्योंकि उससे पहले हमने रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ा था। तो इस आहिस्ता आहिस्ता ये डाइवर्सिटी होती गई, एवोल्यूशन होती गई, और ये करेक्टर्स जो हैं पहले शेयर करते थे, देन फिर उनमें मॉडिफिकेशन होती गई। तो हम अगर मार्सुपियल्स के करेक्टर्स की बात करें, तो जो मार्सुपियल्स हैं इनका जो मेटाबॉलिक रेट है वो बहुत ज़्यादा हाई था। उसके अलावा इनमें निपल्स भी मौजूद थे, जो कि क्या करते थे, मिल्क प्रोवाइड करते थे। मोनोट्रीम्स में हमने कहा था कि वो मिल्क तो प्रोवाइड करते थे, लेकिन उनमें निपल्स मौजूद नहीं थे। लेकिन मार्सुपियल में हमने कहा है कि इसमें निपल्स मौजूद हैं और इनका मेटाबॉलिक रेट बहुत ज़्यादा हाई होता है। उसके अलावा ये अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं, दे गिव बर्थ टू द यंग वंस। ठीक है, उसके अलावा इनके जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो डेवलप्स विद इन अ प्लेसेंटा इन द मदर यूट्रस। इनकी मदर जो यूट्रस है उसमें एक मेम्ब्रेन मौजूद है, जिसको हम क्या है, क्या नाम है, प्लेसेंटा है। ये क्या है, एक एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है डेट अराइज फ्रॉम द एम्ब्रियो एंड फॉर्म अ प्लेसेंटा। ठीक है, प्लेसेंटा क्या है कि एक स्ट्रक्चर है इन विच न्यूट्रिएंट्स डिफ्यूज इन टू द एम्ब्रियो फ्रॉम द मदर्स ब्लड। कि बेबी को जो एम्ब्रियो है, ठीक है, उसको जो भी खुराक चाहिए होती है वो मदर के ब्लड से उसके प्लेसेंटा को मिलती है। उसके अलावा अगर, तो ठीक है, खुराक मिल भी रही है, उसके अलावा अगर कोई फिटस वेस्ट बना रही है, तो वो वेस्ट भी जो है वो उस प्लेसेंटा के ज़रिए बॉडी से बाहर निकलता है। ठीक है, मदर की बॉडी से बाहर निकलेगा, और हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिएंट्स भी अगर एम्ब्रियो को चाहिए तो वो किसके थ्रू आएंगे, वो प्लेसेंटा के थ्रू आएंगे, उसकी मदर के ब्लड से प्लेसेंटा देन एम्ब्रियो को मिलेगा। ठीक है, तो ये प्लेसेंटा का एक फंक्शन है कि ये एक एम्ब्रियो की एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके अलावा जो ये मार्सुपियल का करेक्टर, जो इसको पाउच मैमल क्यों कहा जाता है, कि ये जो मार्सुपियल है, ये अब जो यंग वन प्रोड्यूस करते हैं वो अनमेच्योर होता है, वो पूरी तरह से मेच्योर नहीं होता। इसके जो जेस्टेशन पीरियड है वो तकरीबन 35 से 45 डेज का होता है, तकरीबन 35 टू 45 डेज का इसका जेस्टेशन पीरियड होता है। ठीक है, और ये इनका जो एम्ब्रियो का और जो इसकी मदर का जो है ताल्लुक, वो बहुत थोड़ी देर तक का होता है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि ये अपने बच्चों को बहुत जल्दी जो है वो पैदा कर देते हैं, वो इमैच्योर ही होते हैं, बिल्कुल छोटा सा होता है। जैसे भी हम एग्जाम्पल भी देखते हैं, तो वो जब बहुत छोटा होता है और वो जो है वो मदर उसको पैदा कर देती है, और अब क्योंकि वो अनमेच्योर है, तो इसने मेच्योर होना है, तो उसके मेच्योर होने के लिए जो मार्सुपियल है इनके अंदर एक थैली सी बनी होती है। जैसे आपने कैंगरूज वगैरह देखे होंगे, उनके बॉडी की फ्रंट साइड पे एक थैली नुमा स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जिसको मार्सुपियम बोला जाता है। ठीक है, मार्सुपियम बोलते हैं, उसके अलावा उसको मेटाथेरिया भी बोला जाता है। इसलिए अब इस मार्सुपियम की वजह से मार्सुपियल्स को पाउच मैमल कहा जाता है, कि इनके जो बॉडी पे एक पाउच बना हुआ होता है, और फिर क्योंकि वो जो अनमेच्योर है यंग वन, जो अनमेच्योर बेबी है, उसको फिर जब वो पैदा होते साथ ही उस थैली में वो चला जाता है, और फिर वहाँ पर वो उसकी नर्सिंग करती है, उसकी केयर करती हैं, तब तक केयर करती हैं जब तक वो मेच्योर नहीं हो जाता है। फिर जब वो मेच्योर हो जाता है तो वो बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो ये जो है मार्सुपियल की एग्जाम्पल, अगर कैंगरू की बात की जाए, रेड कैंगरी है, तो इसका तकरीबन साइज़ जो होता है वो एक हनी बी के जितना होता है। जब बेबी पैदा होता है तो वो तकरीबन हनी बी के जितना उसका साइज़ होता है, जस्ट 33 डेज़ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तकरीबन 30, हमने बात की 35 टू 45 डेज़ के दरमियान में हो सकता है, तो 33 डेज़ का होता है इसका फर्टिलाइजेशन पीरियड। उसके अलावा
जब वो फर्टिलाइजेशन पीरियड ख़त्म हो गया, बेबी जो है वो इमेच्योर जो है वो प्रोड्यूस हो गया, उसके बाद उसने जो है मैच्योर होने के लिए उस थैली में चले जाना होता है। तो ये कैंगरू की एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि रेड कैंगरू इज़ अबाउट द साइज ऑफ हनी बी एट इट्स बर्थ जस्ट 33 डेज आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसके अलावा जो इसकी कैंगरू की अगर आपने देखा होगा तो ये अपने जो चारों पाँव हैं उन पर चलता हुआ हमें नहीं दिखाई देता। इसके जो हैं हाइंड लेग्स जो हैं वो क्या होते हैं, वो जो हैं वो लार्ज होते हैं। उसके अलावा जो इसके जो फ्रंट लेग्स होते हैं वो क्या होती हैं, वो स्मॉल होती हैं, ठीक है। तो हाइंड लिम्स आर लार्जर देन फोर लेग्स। और वो फोर लिम्स जो हैं हम कहते हैं वो क्यों हैं, ताकि वो लीप कर सकें, ठीक है। वो हमने बात की कि हाइंड लिम्स आर लार्जर देन फोर लिम्स, तो वो फोर लिम्स से वो क्यों लार्ज हैं, ताकि वो छलांग लगा सकें। उसकी छलांग लगाने के लिए वो फोर लिम्स जो हैं वो स्मॉल हैं। लेकिन इसके जो फ्रंट लेग्स हैं, ठीक है, वो क्या है, वो स्ट्रॉन्ग इनफ फॉर इट्स क्रॉल फ्रॉम द एग्जिट ऑफ इट्स मदर्स रिप्रोडक्टिव ट्रैक टू अ पाउच। लेकिन इसके जो फ्रंट लेग्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है। तो हमने ये बात कर ली कि इसकी हाइंड लिम्ब जो है वो लार्ज देन द फोर लिम्ब, वो इसलिए ताकि वो लिपिंग का काम कर सकें। उसके अलावा हमने बात की, हालांकि इसकी जो हाइंड लिम्ब है वो लार्ज हैं, लेकिन इसके जो फ्रंट लेग्स हैं जो इसकी फोर लिम्ब्स हैं वो हम कहते हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं, ठीक है, ताकि जो उसका बेबी है वो मदर रिप्रोडक्टिव ट्रैक से एग्जिट कर सके। उसके अलावा इसकी कुछ और करेक्टर्स की अगर बात करें तो इस ये जो मार्सोपियम है ये वीवी पैरस होते हैं, लेकिन जो वीवी पैरस हैं, लेकिन जो इनका बेबी है वो इमेच्योर होता है। वो मेच्योर कहाँ होता है, उसकी थैली में मेच्योर होता है। जो सैक लाइक स्ट्रक्चर है उसकी बॉडी के पास एक थैलीनुमा स्ट्रक्चर मौजूद होता है, वहाँ पे वो मेच्योर होता है। उसके अलावा जो मैमल्स का सबसे इंपॉर्टेंट एक करेक्टर है जो है वार्म ब्लडेड होते हैं। उसके अलावा ये टेरिस्ट्रियल होते हैं, ये लैंड पर रहते हैं, और ये हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है। उसके अलावा मार्सोपियम की बॉडी जो है वो कवर्ड हुई होती है फर से। उसके अलावा इनमें जो पिना है वो वेल डेवलप्ड होता है, यानी कि एक्सटर्नल एयर वेल डेवलप्ड होता है। उसके अलावा जो मार्सोपियम है ये जस्ट फीमेल्स में होता है, ये मेल्स में नहीं होता। तो हम मार्सोपियम की अगर बात करें तो ये फीमेल कैंगरूज में मौजूद होता है। उसके अलावा इनमें मेमोरी ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और उनकी जो टेल होती है वो वेल डेवलप्ड होती है, ठीक है। इनकी टेल जो है वो क्या होती है, वो वेल डेवलप्ड होती है। और वो वेल डेवलप्ड किस लिए होती है, फॉर बैलेंसिंग, वो इसको मुतवाजन रखती हैं, ठीक है, उनको इसकी बॉडी को बैलेंस रखने के काम आती है जो इसकी टेल होती है। उसके अलावा हम अगर बात करें कुछ और बैंडीकोट्स की अगर बात करें, वो भी मार्सुपियल एनिमल है, मार्सुपियल स्पीशी है। तो ये क्या करती है, दिस प्रोटेक्ट द यंग एज देयर मदर बरोज इन द डर्ट, ठीक है। तो वो भी अपने यंग वन को जो है वो उसकी हिफाजत करती है। उसके अलावा अब इसकी अगर बात करते हैं कि ये कहाँ पे पाया जाता है, कहाँ पे ये पूरी दुनिया में कहाँ पे पाया जाता है, अब टुडे की अगर बात करें, पहले ये पूरी दुनिया में पाया जाता था, ठीक है। मार्सोपियल एग्जिस्ट वर्ल्ड वाइड ड्यूरिंग द मीज़ोज़ोइक एरा, ठीक है। मीज़ोज़ोइक एरा में हम बात करें तो ये वर्ल्ड वाइड में पाया जाता था, लेकिन टुडे दे आर फाउंड ओनली इन द ऑस्ट्रेलियन रीजन एंड इन द नॉर्थ एंड द साउथ अमेरिका, ठीक है। अगर हम आज की बात करें तो ये मोस्टली ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और नॉर्थ और साउथ अमेरिका में पाया जाता है। तो जो बायोजियोग्राफी है मार्सोपियल की, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन बायोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल एवोल्यूशन। ये दोनों जो बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल एवोल्यूशन, उसके दरमियान में ये एक हम कह रहे हैं कि ये मतलब अगर इसकी बायोजियोग्राफी की बात करें तो वो किसके दरमियान है, बायोलॉजिकल जियोलॉजिकल एवोल्यूशन के दरमियान में है। पहले जैसे बात करें, एक कॉन्टिनेंट था जैसे बहुत बड़ा आप कह सकते हैं खिता था, उसमें सारे नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका ऑस्ट्रेलिया वगैरह थे। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ एडैप्टिव रेडिएशंस की वजह से वो क्या हुआ, वो बिखर गए, ठीक है। वो जो सब हम कह रहे हैं कि वो जो कॉन्टिनेंट था उसका ब्रेकअप हो गया। आफ्टर द ब्रेकअप ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया बिकम आइलैंड कॉन्टिनेंट्स। तो नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका दे डिस्टिंग्विश्ड, ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द मीज़ोज़ोइक एरा। हम कह रहे हैं कि ये जिस तरह हमने कहा कि जैसे मीज़ोज़ोइक एरा है उसमें वर्ल्ड वाइड में पाए जाते हैं, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो जो हमने बात की सुपर कॉन्टिनेंट की, कि क्या हुआ कि उनमें वो उसमें कुछ एडेप्टिव रेडिएशंस हुए और उनकी वजह से वो जो है अलग हो गए, अलग किससे, तो जिस तरह हमने मीज़ोज़ोइक एरा से बात की बिल्कुल उससे डिस्टिंग्विश थे ये। अब आगे जो बात करेंगे वो चीज़ें उसमें उससे अलग हैं मीज़ोज़ोइक एरा से, ठीक है। तो वो डिस्टिंग्विश करती हैं वो इस तरह, क्योंकि अगर क्रिटेशियस पीरियड की बात करें तो उसमें जो मेटाथेरिया हैं वो क्या मेटाथेरिया इंक्रीज थे, लेकिन क्या हुआ कि सीनोज़ोइक पीरियड में जो यूथ
एरिया है वो इंक्रीज होना शुरू हो गया, और उसमें मेटाथीरिया जो है वो कम होना शुरू हो गया, उसकी कमी होना शुरू हो गई। क्योंकि जाहिर सी बात है, जब एक हम बात कर रहे हैं उसमें एक एडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से हिता है वो अलग, उसमें हो चीज़ें अलग हो गई हैं, तो उसमें जो है कुछ चीज़ें ज़्यादा भी होंगी और कुछ चीज़ें कम भी होगी। ठीक है, तो एडेप्टिव रेडिएशंस की वजह से क्या हुआ कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई। अब उस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से कुछ सिमिलैरिटीज़ भी देखी गई। अभी हम देखते हैं कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन क्या है। ठीक है, उसके अलावा इन्होंने कहा कि जो ये हमने बात की थी स्टार्ट में कि यूथेरिया और मेटाथेरिया के कुछ करेक्टर सेम है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि माइग्रेशन होना शुरू हो गई। माइग्रेशन तकरीबन 3 मिलियन ईयर्स अगो, पहले साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका जब ज्वाइन किया उन्होंने पिनामिनियन इस्थमस और ठीक है पिनामिनियन इस्थमस को जब जिन्होंने ज्वाइन किया उस टाइम इनकी माइग्रेशन हुई, और ये तकरीबन 3 मिलियन ईयर्स अगो पहले की बात है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करते हैं सॉरी अगर हम बात करते हैं इसके फैमिलीज़ की कि ये कहाँ पे पाई जाती हैं टुडे, अगर बात करें तो ये तकरीबन मार्सोपियल की फैमिलीज़ ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। उसके अलावा इसकी जो नॉर्थ अमेरिका में स्पीशी है वो है अपोसम, जो पाई जाती है ऑस्ट्रेलिया में। तो सिर्फ इसकी हम बात करें मार्सुपियल कैंगरूज बाहर ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, लेकिन जो अपोसम है वो कहाँ पे पाई जाती है, वो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है जो अपोसम है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये बात की हुई है अ यंग ब्रश टेल पोसम। उसके अलावा बी डायग्राम में लॉन्ग नोज बैंडिकोट है, ठीक है, जिस तरह आपको ए डायग्राम में नज़र आ रहा है, ये बिल्कुल इतना छोटा सा ये होता है क्योंकि इमेच्योर होता है, उसके बाद ये उस थैली में आके मेच्योर होता है। ठीक है, तो ये यंग ब्रश टेल पोसम द यंग ऑफ मार्सुपियल्स आर बॉर्न वेरी अर्ली इन देयर डेवलपमेंट, ये क्योंकि अपनी डेवलपमेंट से बहुत देर पहले ये पैदा हो जाता है। ठीक है, फिर ये कहाँ पे अपनी ग्रोथ को पूरी करता है, वो जो जो मदर स्पाउच है उसमें ये अपनी ग्रोथ को पूरी करता है। ठीक है, उसके अलावा लॉन्ग नोज बैंडिकोट में अगर बात करें, ठीक है, मोस्ट बैंडिकोट्स आर डिगर्स एंड बोरर्स, दे ईट मेनली इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड सम ऑल्सो ईट वर्टिब्रेट्स और प्लांट मटीरियल्स, कुछ प्लांट मटीरियल्स खाते हैं, उसके अलावा कुछ स्मॉल वर्टिब्रेट्स भी खाते हैं। ठीक है, उसके अलावा जो हम बात करते हैं पाउच की, वो क्या करती है, वो भी हेल्प करती है कि वो उसके उसको प्रोटेक्ट कर सके, जो यंग वन है उसको प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम डर्ट और एज द मदर डिग्स। ठीक है, हम बात करते हैं कि जिस तरह हमने इसमें ब्रश टेल पॉसम की बात की, इसी तरह लॉन्ग नोज्ड बैंडिकोट में भी वो जो पाउच होता है वो क्या करता है, वो इसकी यंग वन की जो है हिफाजत करता है डर्ट वगैरह से। उसके अलावा जैसे कि कैंगरूज की बात करें, हैव अ पाउच डेट ओपन टू द फ्रंट, ठीक है, वो इसकी जो मदर के फ्रंट साइड पे है वो जो पाउच होता है वो ओपन हुआ होता है, जहाँ पे वो अपने बच्चे को रखता है और वहाँ पे उसकी जो भी न्यूट्रिएंट्स वगैरह होते हैं वो उसको प्रोवाइड करता है। ये कुछ एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस है जो मार्सोपियल और प्लेसेंटल मैमल्स के दरमियान में देखी गई, क्योंकि अडेप्टिव रेडिएशन हुई और उसकी वजह से कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाई दी, और इस कन्वर्जेंट एवोल्यूशन की वजह से कुछ करेक्टर्स जो हैं वो मार्सोपियल मैमल्स में और यूथेरियन मैमल्स में हमें सिमिलर दिखाई गए। और ये आपने याद रखने हैं वो इसलिए क्योंकि आपने जैसे अब यहाँ पे शुगर ग्लाइडर है, इसको आपने कैंगरू के साथ नहीं ले जाना, इस जिस तरह ये आपको नज़र आ रहे हैं एक आमने सामने, बिल्कुल आपने इनको वैसे ही इनके नेम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस है कि मार्सुपियल और यूथेरियन मैमल जो है वो कौन से किसके साथ सिमिलैरिटी दिखाई गई। जैसे फॉर एग्जांपल अब हम इनको देखते हैं, बात करते हैं सबसे पहले प्लेंटीगेल की बात करें, तो प्लेंटीगेल जो है ये किससे मिलता जुलता दिखाई गया दिया, ये डियर माउस से मिलता जुलता दिखाई देता है। उसके अलावा मार्सुपियल मोल जो है ये किससे मिलता है, ये मोल से मिलता है। उसके अलावा शुगर ग्लाइडर जो है ये फ्लाइंग स्क्विरल से मिलता है। वर्म बैट जो है ये वुड चक से मिलता है। तस्मानियन डेविल जो है ये वॉल्वरीन से मिलता है। कैंगरू जो है ये पैटागोनियन केवी से मिलता है। ठीक है, ये आपस में इन सब की सिमिलैरिटीज़ हैं, इसलिए कहा जाता है कि मार्सुपियल मैमल्स और यूथेरियन मैमल्स जो है इनके दरमियान में सिमिलैरिटी दिखाई गई। ठीक है, इनके दरमियान में सिमिलैरिटी शो होती है वो इसलिए क्योंकि इनके उस जो हमने सबसे पहले बात की, क्योंकि इनमें बायोलॉजिकल और जियोलॉजिकल पीरियड है इसके दरमियान में ये मौजूद थे। उसके अलावा हमने बात की कि जो है मीज़ोज़ोइक एरा में कि ये वर्ल्ड वाइड थे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ अमेरिका जो है ये अलग कॉन्टिनेंट हो गया, ऑस्ट्रेलिया अलग हो गया। उसके बाद जो है कुछ चीज़ें जो हैं वो यूथेरिया में आ गई, लेकिन कुछ जो है वो मार्सुपियल में ही रही, और मार्सुपियल की
अगर बात करें तो जो है वो कम हो गए मार्सुपियल, जैसे हमने क्रस्टेशियंस पीरियड की बात की कि उसमें मार्सुपियल ज़्यादा थे, देन सीनोज़ोइक एरा में क्या हुआ कि सीनोज़ोइक एरा में उनकी कमी हो गई मार्सुपियल्स की, और वहाँ पर यूथेरियन जो है वो ज़्यादा तादाद में मौजूद होना शुरू हो गए। अब अगर बात करें यूथेरियंस की, जिसको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है, तो यूथेरियन क्या है कि इसको हम कहते हैं कि इट्स कम्पेयर विद मार्सुपियल। यूथेरियन का एक दूसरा नाम भी है, इसको यूथेरिया भी कहा जाता है, उसके अलावा इसको प्लेसेंटल मैमल्स भी कहा जाता है। अब इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे हम बात करते हैं अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो यहाँ प्रेगनेंसी पीरियड कितना होता है, यहाँ पर प्रेगनेंसी पीरियड 9 मंथ्स होता है, इसी तरह इसका भी प्रेगनेंसी पीरियड बहुत लॉन्ग होता है। तो अगर इमेच्योर की बात करें, जैसे हमने मेटाथीरियल की बात की, तो वहाँ पे जैसे 7 मंथ या 4 मंथ की अगर बात करें तो तब बेबी इमेच्योर होता है। तो आप उसी तरह से एक हिसाब लगा लें कि वहाँ पे भी जो है इमेच्योर बेबी के वहाँ पे उससे पहले प्रेगनेंसी पीरियड एक बात करें 9 मंथ्स है, तो बेबी जो है वो 3 मंथ्स पहले हो गया है या 2 मंथ्स में हो गया है, तो वो इमेच्योर बेबी होता है। लेकिन यहाँ पर यूथेरियन में ऐसा नहीं है, यूथेरियन में उसका जो प्रेगनेंसी पीरियड है वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग होता है। यंग कम्प्लीट देयर एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट विद इन अ यूट्रस जॉइंट टू द मदर बाय द प्लेसेंटा। वो यहाँ पे क्या होता है कि जो यंग वन होता है वो अपने एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को मदर की यूट्रस में कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ पे कोई पाउच मैमल्स नहीं है, कोई थैली नहीं है, यहाँ पे जो उसकी मदर की यूट्रस के साथ जो प्लेसेंटा जुड़ा हुआ है, हम कह रहे हैं कि उस प्लेसेंटा में वो अपनी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कंप्लीट लेता है, ठीक है। उसके बाद वो पैदा होता है, वो अपनी डेवलपमेंट कंप्लीट करने के बाद वो पैदा होगा, उससे पहले मैच्योर फॉर्म में पैदा नहीं होता। इसके अलावा अगर इसकी बात करें, इसमें मॉलिक्यूलर मॉर्फोलॉजिकल डाटा कंफ्लिक्टिंग डेट्स ऑन द डाइवर्सिफिकेशन ऑफ यूथेरियंस, ठीक है। तो एक तो हमने इसकी बात कर ली प्लेसेंटा की, उसके अलावा हमने भी बात कर ली कि यूथेरियन जो है प्लेसेंटा प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एंड लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन बिटवीन द मदर एंड हर डेवलपिंग यंग, कि इसके दरमियान हमने ये बात की कि इसके मदर्स और उसके जो यंग वन है उसके दरमियान में एक लॉन्ग लास्टिंग एसोसिएशन होता है, वो इसलिए क्योंकि इसका प्रेगनेंसी पीरियड बहुत लॉन्ग होता है, ठीक है। उसके अलावा हमने बात की कि इसके जो लिविंग यूथेरियंस हैं इनमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी देखी गई, इनमें बहुत ज़्यादा एवोल्यूशनरी चेंजिंग्स हमें देखी गई। इसके मॉलिक्यूलर डाटा की बात करें तो इट्स ऑलमोस्ट 100 मिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, एंड 60 मिलियन ईयर अगो बाय मॉर्फोलॉजिकल डाटा। ये एवोल्यूशनरी चेंज देखा गया अबाउट 100 मिलियन ईयर्स अगो एंड अबाउट 60 मिलियन ईयर्स अगो बाय मॉर्फोलॉजिकल एंड बाय मॉलिकुलर डाटा, ठीक है। तो उसके बाद हमने बात करी इन ऑस्ट्रेलिया कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हैज़ रिजल्टेड इन अ डाइवर्सिटी ऑफ मार्सुपियल्स दैट रिजेंबल द यूथेरियंस इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमने यहाँ पे बात कर ली कि ऑस्ट्रेलिया में क्या है कि कन्वर्जेंट एवोल्यूशन से क्या हुआ हैज़ अ रिजल्ट इन द डाइवर्सिटी ऑफ मार्सुपियल्स दैट रिजेंबल द यूथेरियंस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हमने मैंने आपको डायग्राम दिखाई, हमने देखा कि जो जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया में भी कुछ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाई गई, जिसकी वजह से कुछ मार्सोपियल जो हैं वो यूथेरियन से रिजेंबल करते थे, और यूथेरियन बाकी अगर डिफरेंट वर्ल्ड में अगर हैं तो उनमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। जैसे हमने इसमें देखा कि यहाँ पे जैसे ये कैंगरू है ये पैटागोनियन केवी से मिलता जुलता है, तो इसी तरह जो ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि कैंगरू ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, लेकिन अगर ऐसे कुछ स्पीशी दूसरे दुनिया में हैं पूरे मतलब ऑस्ट्रेलिया के अलावा पूरी दुनिया में कहीं और मौजूद हैं तो उनमें कुछ सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो आज के लेक्चर में हमने इसकी फर्दर जो दो क्लासिफिकेशन है उनको पढ़ा, एक तो हमने मार्सुपियल के बारे में देखा, उसके अलावा यूथेरियन के करैक्टर्स देखा। यूथेरियन को हम प्लेसेंटल मैमल्स भी कहते हैं, उसके अलावा मार्सुपियल्स को हम पाउच मैमल्स भी कहते हैं। पाउच मैमल्स में क्या होता है कि वो मैच्योर यंग वंस को प्रोड्यूस करता है, उसके बाद वो मैच्योर कहाँ होते हैं वो सैक लाइक स्ट्रक्चर में होते हैं जो कि उसकी बॉडी के फ्रंट साइड पे वो मौजूद होता है, जहाँ पे वो अपने जो बच्चे होते हैं उसकी नशोनुमा करते हैं, और जब वो मैच्योर हो जाता है फिर वो वहाँ से एग्जिट कर जाता है। इसी तरह यूथेरियन में क्या होता है कि यूथेरियन में प्लेसेंटल मैमल्स हैं और यहाँ पर वो अपनी डेवलपमेंट को कंप्लीट कर लेते हैं विद इन द यूट्रस एंड इट जॉइंट टू द मदर बाय द प्लेसेंटा, कि वो अपनी जो डेवलपमेंट है उसको मदर की यूट्रस में ही कंप्लीट करते हैं। उसके बाद क्या होता है हम कहते हैं जो यूट्रस हम कहते हैं यूट्रस ज्वाइंट हुई होती है मदर की प्लेसेंटा से, उसके अलावा ये अपनी जो जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये
दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस था। उसके अलावा हमने इसकी कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को भी देख लिया आपने। इसके अलावा ये जो मार्सुपियल और यूथेरियन मैमल्स हैं, इनको याद रखना है कि कौन सा मैमल किसके साथ जो है सिमिलर है, इनके दरमियान में एवोल्यूशनरी कन्वर्जेंस किन दो के दरमियान में, आपने इसको चेंज नहीं करना। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी डाइवर्सिटी को देखेंगे।